तो भाई देखो, मैंने कल की वीडियो में ये ऑलरेडी कह दिया था कि जैसे ही WTC फाइनल के पहले दिन का खेल हुआ था, कहीं ना कहीं इस मैच का जो रिजल्ट है वो तय हो चुका था कि या तो ये मैच ड्रॉ होगा या फिर इस मैच को ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। लेकिन दाद देनी होगी इंडिया की, उसने मुझको पूरे तरीके से गलत प्रूफ कर दिया। उसने बता दिया कि हम ड्रॉ भी नहीं कराएंगे, अब तो ये मैच हार के ही रहेंगे। क्योंकि भाई देखो, इंडिया के लोगों को ना ये बीच वाले काम पसंद नहीं आते हैं, या तो पूरे तरीके से राइट में रहने का या फिर पूरे तरीके से लेफ्ट में रहने का। अगर कोई कोशिश भी करता है बीच में रहने की, तो जो जनता है ना वो उसको लेफ्ट या राइट में कर देती है। अब अगर आप मेरी बात समझ गए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझे हैं तो भाई मैं नहीं समझा सकता। और देखो, मजाक असाइड, कहीं ना कहीं जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ था, थोड़ी बहुत उम्मीदें तो भैया दिल में लगा के ही बैठे थे। ऐसा थोड़ी है कि अपने बैट्समैनों से उम्मीद ही नहीं थी या फिर अपने बॉलर से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और जो बॉलर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे दिन के खेल में अपना काम देखो कर भी दिया था। अब जो काम करना था असल में वो बैट्समैन को करना था, लेकिन बैट्समैन ने कहा अजी घंटा, तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। अब सबसे पहले देखो, बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा जब अपनी पारी की शुरुआत करते हैं या फिर जब तक रोहित शर्मा खेल रहे होते हैं ना, तो उन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये बंदा तो अभी 100 मार देगा, अभी तुम पलक झपकोगे या फिर अभी तुम हाथ धो के आओगे तब तक ये बंदा हेलमेट उतार के अपना बल्ला दिखा रहा होगा। लेकिन उसके बाद रोहित भाई ऐसे आउट होते हैं, इतने लप्पू तरीके से आउट होते हैं कि भैया दिल टूट जाता है मेरा। मतलब कल के दिन जितनी भी बॉलें स्विंग खा रही थी उसको रोहित शर्मा बड़े आराम से खेल जा रहे थे, लेकिन एक बॉल एकदम सीधी आ गई, ना इधर कटी ना उधर कटी। उस पे रोहित शर्मा ने कहा हम इसी पे तो आउट होते हैं, यही तो हमारी स्ट्रेंथ है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बाकी मैं जानता हूँ कि रोहित शर्मा की इस पारी के बाद बहुत लोग हैं जो रोहित शर्मा के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, जो उनको टीम से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखो, मैं रोहित शर्मा के ऊपर ना इतने जल्दी राय नहीं बनाना चाहता, जिसका सबसे पहला रीजन तो ये है कि रोहित शर्मा को बैटिंग करते देखने मजा आता है भाई। दूसरा, अगर स्टैट्स की भी बात कर लें, तो 2020 के बाद से एशिया के बाहर जिस इंडियन बैट्समैन ने सबसे ज्यादा एवरेज के साथ रन बनाए हैं वो रोहित शर्मा ही हैं। मैं जानता हूं कुछ लोग इस बात पे शायद भरोसा ना करें, लेकिन ये सत्य है भाई। मैं नहीं मानता। खैर, कल के दिन जब रोहित शर्मा आउट हुए तो शुभमन गिल और पुजारा ने ये प्रण ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए साला बल्ला ही नहीं लगाएंगे। अगर बल्ला नहीं लगाएंगे तो भाई आउट भी नहीं होंगे। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि बॉल अगर स्टंप्स पे आ रही हो तो बल्ला लगाना पड़ता है भाई। और पुजारा भाई, एक बात बताओ, आप 3 महीने से इंग्लैंड में पड़े हुए हो, 3 महीने से आप काउंटी पे काउंटी खेले जा रहे हो। जब IPL चल रही थी तो IPL के बीच में खबरें ये आती रहती थी कि आज पुजारा ने शतक मार दिया, आज पुजारा ने दोहरा शतक मार दिया। लेकिन जब बात इंडियन टीम की आती है, वही 14, वही 12, वही 0, वही 4, वही 8, ये कब तक चलेगा? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। पर देखो, जहां विराट कोहली की बात आती है, तो विराट कोहली का विकेट इकलौता ऐसा विकेट था जो एक अच्छी बॉल पे गिरा था, जो कहीं ना कहीं भैया बहुत मुश्किल बॉल थी। इसीलिए विराट कोहली के विकेट का वैसे तो दुख हुआ था, लेकिन ये दुख नहीं हुआ था कि विराट कोहली ने विकेट फेंक दिया। बाकी विराट कोहली को भैया खुद दुख नहीं था अपने विकेट का, सीधे आउट हुए, उसके बाद जाके मस्त भैया खाना पीना चल रहा है। विराट भाई भी कह रहे हैं कि मैदान में तो बॉलें खाई नहीं, तो यहीं खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही विराट कोहली का विकेट गिरता है और सारे ही भारतवासियों की जो उम्मीद होती है वो टूटने लगती है, अंदर ही अंदर ये आभास होने लगता है कि क्या इस इनिंग में फॉलो ऑन हो जाएगा। तभी CSK के दो चैंपियंस आते हैं, एक तरफ जडेजा, दूसरी तरफ रहाणे, और इंडिया को इस मुश्किल घड़ी में थोड़े से देर के लिए जीवित रखते हैं। सही बात है। खैर, जडेजा दिन का खेल खत्म होते होते आउट जरूर हो गए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। रहाणे के साथ भी भरत खेल रहे हैं, जो भी कहीं ना कहीं CSK का फैक्टर लेके आते हैं। अब लोग सोच रहे हैं भैया भरत कौन सा CSK में थे, लेकिन जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था कि भरत भैया यहां आने से पहले धोनी भाई से बात किए थे और धोनी भाई ने उनको बहुत सारी टिप्स दी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो टिप्स का फायदा हमें उनकी कीपिंग में देखने को मिला है, थोड़ा सा अगर बैटिंग में देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। ये हुई ना बात। वैसे धोनी भाई से याद आया कि जिस दिन इस WTC फाइनल का पहले दिन का खेल चल रहा था, तो जितना भी क्राउड मैच देखने आया हुआ था वो हाथ में अपने एक ही पोस्टर रखा था कि विराट भाई आपको एज अ कैप्टन बहुत मिस कर रहे हैं। चारों तरफ सोशल मीडिया पे भी यही बातें चल रही थी कि अगर विराट कोहली कैप्टन होते तो हालात कुछ और हो सकते थे। लेकिन जैसे जैसे ये खेल दूसरे दिन की तरफ बढ़ता है, तो लोगों के हाथों में पोस्टर बदल जाते हैं, लोग ये लिख के लाते हैं कि धोनी भाई अब तो आपको ही मिस कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग समझ जाते हैं कि देखो, ये जो है ना, ये एक ICC का फाइनल है, और ICC ट्रॉफी जिताने की बात हो तो या तो एक इंसान आता है ना जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जलवा है हमारा। खैर, कोहली भी अपनी ड्यूटी निभाने से चूक नहीं रहे हैं, क्योंकि जहां एक वक्त पे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 350 रन पे 3 विकेट था, तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि जो विराट कोहली है वो रोहित शर्मा के पास
पास आते हैं और ना जाने अगले 5 मिनट तक उनको क्या समझाते हैं, और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर होता है वो 469 पे ऑल आउट हो जाता है। वैसे कल के दिन जो अजिंक्य रहाणे हैं उन्होंने अपने 100 कैचेस को कंप्लीट किया है, तो उम्मीद अब यही करते हैं कि ये जो 100 कैचेस कंप्लीट करे हैं यही 100 अगर भैया बैटिंग में देखने को मिल जाए ना, कसम से मजा आ जाएगा। क्योंकि भाई तहे दिल से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 पल के लिए अगर इस मैच में कुछ अनहोनी हो भी जाए, उम्मीद करते हैं कि ना हो, लेकिन इन केस भैया 1% अगर हो भी जाती है तो कम से कम रहाणे का जो स्पॉट है वो आने वाले वक्त के लिए थोड़ा सा मजबूत हो जाए। क्योंकि गलती से भी आने वाले वक्त में अगर रोहित शर्मा एज अ कैप्टन हटते हैं तो भाई रहाणे सबसे बेस्ट चॉइस होंगे, वरना पुजारा राहुल यही लोग कप्तान बनेंगे, तो कौन देखेगा टेस्ट मैच। बात सही है। बाकी कल के मैच के दौरान जब इंडिया की बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी तो क्या देखने को मिलता है, तो ऋषभ पंत हैं वो अपने इंस्टा पे एक स्टोरी डालते हैं जहां पे फिंगर क्रॉस की वो इमोजी भी डालते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत भी जानते हैं कि इससे अच्छा वक्त नहीं हो सकता है ये बताने का कि इंडियन टीम सबसे ज्यादा किसे मिस कर रही है। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता ये बताने का कि जब भी इंडिया ऐसे हालातों में फंसती थी तो वो कौन सा प्लेयर था जो नीचे आके टीम को संभाला करता था। बाकी कल के दिन मुझे एक बहुत ही कमाल का कमेंट पढ़ने को मिलता है, इसमें एक यूजर ने ये लिखा था कि भाई मैं वेट नहीं कर पा रहा हूं शामी और सिराज को बैटिंग करते हुए देखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय टेस्ट में इंडिया की बैटिंग की यही सच्चाई है कि नीचे आके जो भैया जडेजा हो गए, कभी अश्विन होते तो अश्विन हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, शामी हो गए, यही लोरन मारते हैं, और इस मैच में भी तो थोड़ी बहुत उम्मीदें बची हुई हैं कि ये मैच शायद ड्रॉ की तरफ चला जाए या 2 पल के लिए कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि ये मैच जीत की तरफ बढ़ जाए। तो ये जो उम्मीदें हैं ये जब शामी शार्दुल ठाकुर ये लोग रन मारेंगे ना कुछ, तभी भैया जिंदा रह सकती हैं, वरना भैया बिल्कुल बस समझ लो आखिरी सांसें चल रही हैं, वेंटिलेटर में बस सीधी लाइन होने ही वाली है, बस हवा निकल गई। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है किस किस को उम्मीद है कि इस मैच में अब भी कुछ चमत्कार हो सकता है, ये मैच अब भी इंडिया के पलड़े में जा सकता है, या फिर कौन है जिसको लग रहा है कि ये मैच ड्रॉ होगा, और कौन है जिसको लग रहा है कि ये मैच इंडिया के हाथ से जा चुका है, जिसको भैया जो भी लग रहा है ना एक बार कमेंट जरूर बताना, अगर ज्यादा लोग कहेंगे कि अब भी इंडिया जीत सकती है तो थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी और कुछ नहीं। बाकी देखो भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मेरे इंस्टा पेज खेल बाजार का, फटाक से जाइए जाके फॉलो करिए, मस्त भैया रील्स वगैरह आती हैं, कसम से आपको देख के मजा आ जाएगा, कुछ भी कॉपी करने वाला सीन नहीं चलता, एकदम ओरिजिनल कंटेंट आता है, तो वहां भी आपका मनोरंजन रहेगा, बिल्कुल ही मत सोचिए, अभी जाके फॉलो कर लीजिए, 50,000 का भैया टारगेट लेके चल रहे हैं, भले ही अभी 2,000 भी नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम वहां भी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए, जाके फॉलो करिए, कोई भी उनमें सवाल हो जाके डीएम कर दीजिए, आने वाली वीडियोस में आपके नाम को शॉर्ट आउट द फीचर दिया जाएगा, लेकिन फॉलो भाई जरूर कर लेना, जिसने भी यहां तक वीडियो देखी है ना 100% फॉलो करना, बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।